कई सालों से सरकार की एयर इंडिया के बिक्री की कोशिश आखिर आज पूरी हो गई। एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही है। 2018 से 19 में कंपनी को 4,424 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2017 व 18 में कंपनी को 1245 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल घाटा हुआ। ऐसे में लगातार हो रहे घाटे के चलते कंपनी पर भारी कर्ज हो चुका है। इसी के मद्देनज़र इसे बेचने की ज़रूरत पड़ी। इससे पहले भी सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की थी। इसे एयर इंडिया की घर वापसी क्यों कहा जा रहा है? कंपनी की 68 साल बाद घर वापसी हुई है। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसे में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह ने इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। फिर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। इसी के साथ 68 सालों के बाद एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई है। कर्मचारियों का क्या होगा? अगस्त 2021 तक एयर इंडिया के पास 16,000 से अधिक कर्मचारी थे। इनमें से 9,617 स्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें ग्रेजुटी के साथ अन्य लाभ मिलता है। पहले एयर इंडिया के स्टाफ को आशंका थी कि एयर इंडिया का निजीकरण किए जाने के बाद उनके पीएफ में जमा रकम निजी कंपनी के ट्रस्ट में चली जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया था कि एयर इंडिया के मौजूदा स्टाफ के लिए पीएफ की रकम ट्रांसफ़र करने का टेम्पलेट वही होगा जो अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के निजीकरण में अपनाया जाता है। टाटा सन्स को अगले एक साल तक सभी स्टाफ को रखना पड़ेगा। अगले साल से अगर उन्हें नहीं रखा जाना है तो टाटा सन्स उनके लिए वीआरएस ऑफर कर सकती है। एयर इंडिया पर बकाया कर्ज का क्या होगा? पांडे ने कहा कि 2019 व 10 से सरकार ने एयर इंडिया को 1.10 लाख करोड़ से ज़्यादा का वित्तीय समर्थन दिया था। टाटा सन्स एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के बाद 15,000 करोड़ का कर्ज वहन करेगी। इसके बाद भी एयरलाइन पर कुछ कर्ज 42,262 करोड़ का रह जाएगा, जो यह कर्ज AIAHL को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।